दोस्तों ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की डायग्राम बनाई हुई है। ये इसके कॉयल है। A1 और A2 से इसको सप्लाई दी जाती है। जब सप्लाई देते हैं तो इसका प्लंजर नीचे आ जाता है। ये 6 पॉइंट L1, L2, L3, T1, T2, T3 ये फिक्स पॉइंट है। और ये आप जो देख रहे हैं दरमियान में 3 पॉइंट ये मूवेबल है। जब प्लंजर ऑन होता है ये 3 पॉइंट इसके साथ शार्ट हो जाते हैं और सप्लाई L1, L2, L3 से T1, T2, T3 से आउट होकर मोटर को ऑन कराएगी। और इसके साथ ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट 21 और 22 और नॉर्मली ओपन पॉइंट 13 और 14 ये इसके साथ लगेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका ऑन होने का फंक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं वाओ इन्वेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप 3 फेज़ के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करूँगा और उनकी रिक्वायरमेंट मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तो आज मैं लाया हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके तमाम फंक्शन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप ये वीडियो अच्छी तरह समझ लें ताकि बाकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप दोबारा देखें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है और ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक स्विचिंग का काम करता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल को अगर सप्लाई दें तो कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो इस तरह ये कॉइल प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है और सप्लाई को ऑफ करने से इसका प्लंजर अपनी पहली पोजीशन पर आ जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का आप ये देख सकते हैं कि L1, L2, L3 इनपुट और T1, T2, T3 आउटपुट सप्लाई बाहर निकालेगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि L1, L2, L3 3 फेज हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट UVW मोटर की तरफ वायर जा रही है। T1, T2, T3 यानी कि UVW ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आउटपुट सप्लाई बाहर निकालेगा और मोटर ऑन हो जाएगी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बड़ा हो या छोटा, इन सब का फंक्शन एक जैसा ही होता है। कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की अगजल्ली साथ लगी होती है और कुछ अगजल्ली बाद में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मुकम्मल ओपन करके दिखाता हूँ। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नीचे वाला हिस्सा जिसमें मैग्नेटिक योक यानी कि आयरन कोर भी इसको कहते हैं और कॉइल पर मुश्तमिल होता है। कॉइल के A1 और A2 पर सप्लाई दी जाती है जिससे ये ऑन होता है। आपके ये कॉइल 24 वोल्ट AC या DC, 110 AC या DC, 220 AC या DC और 440 AC की हो सकती है। DC के लिए A1 पर पॉजिटिव और A2 पर नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। दूसरा हिस्सा जिसमें पावर और कंट्रोल के पॉइंट शामिल हैं, इसको प्लंजर कहते हैं। कंट्रोल में 2 पॉइंट यानी कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज ये पॉइंट यूज़ होते हैं और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर हम प्लंजर की बात करें तो प्लंजर में 6 पावर पॉइंट होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। और 3 पॉइंट मूवेबल होते हैं जो कि एक प्रेशर स्प्रिंग के साथ लगे होते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के 2 हिस्सों के दरमियान में एक स्प्रिंग होता है। जब सप्लाई कट ऑफ होती है
तो ये स्प्रिंग प्लंजर को अपनी पहली पोजीशन पर कर देता है। तो दोस्तों, ये मेरी पहली मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल ओवरहॉल करके दिखाऊंगा, जिससे आपके इल्म में और भी इजाफा होगा। अगर किसी दोस्त ने इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो ये खादिम आपके लिए हाजिर है। जो नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल करें, जिससे न्यू वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनके इल्म में भी इजाफा हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।